सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हमने जो आपके द्वारा 20 ओवर एग्जाम के लिए बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो 10 सेट को तैयार किए हैं, आपके बायोलॉजी में जो 10 सेट तैयार किए हैं उसका आज के इस वीडियो में सेट नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, इस सेट में सेट नंबर फर्स्ट में हम आपको 28 क्वेश्चंस को बताएंगे, 28 क्वेश्चंस को बताएंगे। यदि फ्रेंड्स आप 28 क्वेश्चंस का 60% आंसर दे देते हैं, मतलब 16 से 17 क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं, तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम बहुत ही बहुत अच्छा जाने वाला है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सही आंसर दे रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने बायोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं, फ्रेंड्स हमने आपके बायोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर के आपके बायोलॉजी में 16 चैप्टर है, फ्रेंड्स हमने ये सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बता दिए हैं। यदि फ्रेंड्स आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर को नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लिंक है, तो आप वहां जाकर पहले वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद रहेगा, तो ये सेट आपको बनाने में बहुत ही बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है, इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ब्रायोफाइट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू को, हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे भिन्न है, निम्न में से कौन सबसे भिन्न है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, एक संगलन प्रभावी डिसऑर्डर। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री को, मिनी मीटा बीमारी किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स मिनी मीटा बीमारी मलकरी के कारण होता है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके द्वारा 20 एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फ्रेंड्स ये हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन फोर को, इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। तो फ्रेंड्स होलस्टेन सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की एक प्रजाति होती है। और चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स द्विखंडन अमीबा एवं परामेशियम दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अमीबा एवं परामेशियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, टाइप में लिंग निर्धारण में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, द्वितीयक प्रदूषक है। तो फ्रेंड्स द्वितीयक प्रदूषक पैन का होता है, पैन का द्वितीयक प्रदूषक है, पैन एक द्वितीयक प्रदूषक होता है। देखिए क्वेश्चन एट, टाइचुंग फर्स्ट किसकी किस्म है। तो फ्रेंड्स यह एक धान की किस्म है, टाइचुंग फर्स्ट धान की किस्में होती है। और क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, गायमिट्स में युग्मन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स गायमिट्स के युग्मन को सिनगैमी कहते हैं। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ही तैयार किया गया है। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन टेन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, इनमें से कौन जीनोटाइप चार अलग प्रकार के गैमिट्स बनाए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी। क्वेश्चन नंबर इलेवन, परिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन नंबर इलेवन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जनवर ख, टेंसले ने परिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, और लैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधे को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सूक्ष्म प्राजनन। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सूक्ष्म प्राजनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, होलेडिडिक जीन उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, वाई क्रोमोसोम में होलेडिडिक जीन उपस्थित होते हैं। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15, अम्ल वर्षा का कारण है। तो फ्रेंड्स अम्ल वर्षा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क,
एसओ टू और एसओ थ्री का, एसओ टू और एसओ थ्री का अम्ल वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कृत्रिम वीर्यसेपण, कृत्रिम वीर्यसेपण का उपयोग नहीं किया जा सकता है, कृत्रिम वीर्यसेपण का प्रयोग नहीं किया जाता, किया जा सकता है तो फ्रेंड्स मछली में कृत्रिम वीर्यसेपण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क, एस्पेरोज्वाइट्स। क्वेश्चन नंबर 18, डायबिटीज का कारण है तो फ्रेंड्स का सही आंसर ऑप्शन नंबर घ, हार्मोन की कमी से डायबिटीज होती है, मतलब चीनी रोग बीमारी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है तो फ्रेंड्स डेयरी फॉर्म में दूध, मक्खन और पनीर ये सभी उपलब्ध होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, सभी। डेयरी फॉर्म में ये सभी दूध, मक्खन और पनीर ये सभी उपलब्ध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, टी सेल्स उत्तरदायी है तो फ्रेंड्स टी सेल्स उत्तरदायी है किसके लिए, तो सेल मेडिएटेड प्रक्रिया हेतु टी सेल उत्तरदायी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है तो फ्रेंड्स शर्करा रहता है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन को आप लिखते चलिए, क्यों फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स हमने जो आपके बायोलॉजी के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए हैं फ्रेंड्स, वे सारे क्वेश्चन को बहुत ही बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और ये जो फ्रेंड्स हम आपको टेन सेट बताएंगे, आपके बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टेन सेट बताएंगे फ्रेंड्स, प्रत्येक सेट में आपको 28 क्वेश्चन आएगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा 10, तो 10 सेट में फ्रेंड्स आपको 280 क्वेश्चन हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑलरेडी क्वेश्चन बताए हैं उसमें लगभग 300 क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आपके पास लगभग 580 क्वेश्चन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आप बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएगा। हमें पूरा विश्वास है, हमें जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं और जो आपको टेन सेट बताएंगे इससे बाहर आपके ऑब्जेक्टिव में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22, डार्विन अपने यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, गैलापागोस द्वीप पर गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ कोशिकीय रूप में प्रकट हुआ तो लगभग 2000 मिलियन पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, मानव का विकास कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स मानव का विकास एशिया में हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ, एशिया। क्वेश्चन नंबर 25, जीवन सबसे पहले विद्वान जीवन से निकल कर आता है यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो फ्रेंड्स यह सिद्धांत लुई पास्चर द्वारा प्रदर्शित किया गया। जीवन पहले विद्वान जीवन से निकल कर आता है यह सिद्धांत लुई पास्चर ने दिया था। क्वेश्चन 26, डिम्बाहिनी नलिका इसका दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनती है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख, स्त्री सहायक नलिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, सिसन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे अग्रछद कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28, WHO का पूर्ण रूप है तो फ्रेंड्स WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके या जरूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं। यदि फ्रेंड्स आप 15 से 16 क्वेश्चन का आंसर सही दिए होंगे तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम बहुत ही बहुत अच्छा जाने वाला है, फ्रेंड्स आप ऑब्जेक्टिव बहुत ही बहुत अच्छे करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है हर एक नया वीडियो बनाने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।